क्रिसमस में अगर आप काम करते हो ओवर टाइम में तो आपको मोस्टली 25-26 pounds तक 28 pounds तक जा सकता है वो पेमेंट। आपको मिली है एक बार? जी मेरे को मिली। लेकिन सिक्योरिटी में पैसे अच्छे बनते हैं। अच्छा, आप मेक श्योर करें कि सिक्योरिटी इंडीड से भी फाइन कर सकते हैं। हमारे कुछ इशू हो गए थे, इनके तो नहीं, इनके फ्रेंड के कुछ इशू हुआ था, मेरा भी कुछ इशू हुआ। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? तो आज देखो मेरे साथ प्रभात है, हम अभी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़े हैं। एक्चुअली मेरे को अपनी बियर्ड ट्रिम करानी थी, बट हम अभी लॉयड्स बैंक के बाहर से आ रहे हैं। हमारे कुछ इशू हो गए थे, इनके तो नहीं, इनके फ्रेंड के कुछ इशू हुआ था, मेरा भी कुछ इशू हुआ। पता नहीं क्या क्या ये करते रहते हैं लॉयड्स बैंक वाले, कहाँ से पेमेंट आई क्या आई, वो सब उन्हें दिखाना होता है कुछ ना, तो वो अभी हम दिखा के आए हैं, सब सॉर्ट आउट किया है। बाकी ये प्रभात है भाई, अपने बारे में थोड़ा बताओ प्लीज़। और हम यूनिवर्सिटी के बाहर ही हैं, ये हब है, बताओ ब्रो प्लीज। हेलो गाइस, मेरा नाम प्रभात है, मैं पिछले साल आया था सितंबर इनटेक में और मेरा भी फर्स्ट ईयर चल रहा है यूनिवर्सिटी में। मेरी जो कोर्स है वो है बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स अच्छा है, यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई काफ़ी अच्छा होता है। आप बिल्कुल, और ये जहाँ पे मैं रहता हूँ कोवेंट्री में, वो चीप है एज कम्पेयर टू ऑल अदर प्लेसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके रह सकते हो, बेस्ट जगह है, अकोमोडेशन भी आराम से मिल जाती है, यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। यूनिवर्सिटी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आप मैनेज ओवरऑल देखोगे तो आप मैनेज ज्यादा बेटर कर पाओगे यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके आने के लिए प्लान कर रहे हैं और सबको रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए होती है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ और बता चुका हूँ एम्बर स्टूडेंट के बारे में, एम्बर स्टूडेंट एक स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म है जो कि इजीली एक्सेसिबल है। आप उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आप ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बट अब एक और ट्विस्ट है कहानी में, अब आपको वेबसाइट पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन के थ्रू, मैं आपको साइड में दिखाता हूँ एप्लीकेशन, सब कुछ कर सकते हो। आप अपना लॉगिन वगैरह कर लो और मेरे लिंक के थ्रू अगर आप जाओगे तो आपको ही बेनिफिट होगा, मुझे ही बेनिफिट होगा, सिंपल सी बात है। एकोमोडेशन के लिए एम्बर स्टूडेंट सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टूडियोज मिल जाएंगे, ऑन स्वीट्स मिल जाएंगे और शेयरिंग एकोमोडेशन मिल जाएंगी और सारी प्रॉपर फुली सिक्योर्ड, सब में सीसीटीवी कैमरा होगा एंड सब में रिसेप्शन होता है जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। एंड आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पे भी देख सकते हो, बहुत सी कंट्रीज इसमें अवेलेबल है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी है, आयरलैंड। बट इन्होंने एक ही चीज में सारा वीडियो का कंटेंट पूरा बोल दिया। वैसे कोई नहीं, आप उसको पॉज करना, धीरे करना, जो भी आप में से स्पेसिफिकली फिर पूछो। नहीं नहीं, नहीं मैं स्पेसिफिकली, मेरे को मेन चीज तो पूछनी है आपसे, वो तो आपने जवाब ही नहीं दिया अभी। पैसे या फीस की चीजें पूछनी है जो सारे स्टूडेंट अभी कमेंट करेंगे कि भाई ये महंगी तो यूनिवर्सिटी है, बट क्या आपके लिए महंगी थी ये और आपने इसकी फीस निकाली खुद से, वो सब चीजें भी हम पूछेंगे। तो इसलिए ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना आप, प्रभात के साथ ही हो गए 5-10 minutes में। एक्चुअली हम बैठे हुए थे लॉयड्स बैंक में ही, वहाँ पे हमने बातचीत वगैरह करी, तो हमने सोचा था कि जैसे ही फ्री होंगे रास्ते में घर जाते जाते वीडियो बनाएंगे हम, तो अभी हम बना रहे हैं। तो इसलिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आपके लिए देखो थक हार के वीडियो बना रहे हैं, ऐसे करते करते हाथ दर्द हो जाता है। जरूर करें क्योंकि ये पहले ऐसे थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी और ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। आजकल मैं जब इंडिया में था मेरे को बहुत हेल्प हुआ था इनकी वीडियो देख के। मेक श्योर करें कि आप इनकी वीडियो देखें। आजकल मेरे को पता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, 3-3 साल पहले जिनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था ना, वो आज यूके में है। मैं उनके मैसेज चेक करता हूँ ना, हाँ भाई इसका 3 साल पहले मैसेज आया था, तो ऐसे अच्छा लगता है काफी। बाकी चलो यूनिवर्सिटी के सामने हम पहुंच गए हैं एग्जैक्टली, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने मेन क्वेश्चन की। भाई फीस निकाल ली थी आपने? ये बताओ जरा आपको। हाँ भी ना भी, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो फीस निकल जाती है मोस्टली। अगर आप अज्यूम करो कि अगर आप 80% फीस निकाल पड़ो निकाल लोगे तो वो वर्थ इट है। तो मैं 80% भी नहीं, सच बताओ एग्जैक्ट कि निकली कि नहीं, बस यस और नो बताओ जो भी बता रहे हैं। नहीं मेरी निकल गई है फीस, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं, फीस मेरी निकल गई थी। मैंने रहना खाना भी उसके साथ ही मैनेज करा और फीस भी सारा निकाला। फीस वीस रहना थोड़ा लकी, मैं थोड़ा लकी रह गया था क्योंकि जिस समय मैं आया था। लकी नहीं होता ब्रदर, लक बनाना पड़ता है, वैसे थोड़ी हम किस्मत लेके थोड़ी आते हैं यार कोई। अब मतलब सोचना तो ब्रो पड़ता ही है ना कि आगे हमें ऐसा करना है वैसा करना है कुछ ना कुछ। तो अब हम ये सोचेंगे कि भाई हम लकी हैं, हमारी यूनिवर्सिटी की फीस खुद ही निकल जाएगी और हम जॉब वॉब नहीं करते, तो ऐसा तो नहीं ना। आपने उसके लिए मेहनत करी ना ब्रो? हाँ जी, हाँ जी। भाई ने 24-24 घंटे शिफ्टें करी हैं लगातार,
मैंने 36-36 घंटे भी करी है। मैंने भी खुद करी थी बहुत टाइम पहले, और इन भाई ने भी करी है भाई देखो। तो भाई ऐसे करना पड़ता है, और वो बताएंगे हम कि कैसे करी है, क्या करी है, वो सब बाद में बताएंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछोगे तो ठीक है ना, वो सब चीजें अलग बातें हैं। बाकी वो बताना भी अलग क्या ही है मेरे हिसाब से। हाँ, बाकी ये पूछ लो अभी इनसे कि भाई कैसे आपने क्या क्या किया, कैसे आपने जॉब फाइंड करी, कौन कौन सी जगह पे आपने जॉब करी है, और अभी करेंटली क्या करते हो। बेसिकली मैं अभी वेयर हाउस में भी काम करता हूँ, एज ए सिक्योरिटी काम करता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी में मेनली करता हूँ, वेयर हाउस में उतना नहीं करता हूँ। लेकिन सिक्योरिटी में पैसे अच्छे बनते हैं। अच्छा, आप मेक श्योर करें कि सिक्योरिटी इंडीड से भी फाइन कर सकते हैं, वहाँ भी वो पे कर देते हैं। सिक्योरिटी इंडीड से इंडीड से भी फाइन कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो भी हो जाता है। अदरवाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट पर आने पड़ते हैं सिक्योरिटीज के लिए, वो हो जाता है। अदरवाइज अगर आप कभी, जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मैं जब यहां आया था सबसे पहले मैंने डीएचएल में काम करा, साथ ही साथ मैंने सिक्योरिटी बैज अप्लाई करी, वो भी आ गया। फिर मैं डीएचएल में काम करा, वहां से मेरे अच्छे खासे पैसे बने डीएचएल में। आपको कैसे जॉब मिली, मतलब डीएचएल में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रेफर करा था नंबर। अदरवाइज वो ऐसे भी मतलब की बोर्ड होर्डिंग लगाते रहते हैं, आप वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो और आपको बुला सकते हैं। डीएचएल में कितनी पे होती है एवरेज? डीएचएल में एवरेज, हालांकि उन्होंने अभी जब से मेरी जो पे है 1233 थी। अच्छा। उन्होंने बढ़ा दी थी, जब मैं स्टार्टिंग में आया था 1030 थी, उस तरफ चलते हैं, 1050 थी मेरी पे। अच्छा। फिर उन्होंने पे बढ़ा दिया था, ठीक है, तो फिर 1233 1250 हो गई थी। अच्छा। अभी मेरे जो काफी दोस्त कर रहे हैं वो एक दिन में मतलब 6-7 घंटे काम करते हैं, 100-120 बन जाता है। हाँ जी, बड़ा सही है यार, बस 6-7 घंटे क्यों काम देते हैं यार, 10 घंटे तो देना चाहिए। अभी तो फिलहाल थोड़ा डाउन चल रहा है। हाँ। लेकिन जो पिछले साल उनके साथ ज्वाइन थे उनको वो अच्छे खासा काम देते हैं। हाँ। फिलहाल हर बाकी सबको तो उतना काम मिलता नहीं है, लेकिन हालांकि और भी सारे जितने सारे वेयर हाउस है ना, रॉयल मेल हो गया, अमेजोन हो गया, रॉयल मेल में भी कर रखा है आपने? हाँ, मैंने रॉयल मेल भी कर रखा है। वहाँ पे वो 16-16 पाउंड देते हैं। और एक और चीज, अगर कोई बंदा क्रिसमस में काम करता है, क्रिसमस में 1 महीने छुट्टियां पड़ती हैं, बोनस भी मिलता है कुछ, क्रिसमस बोनस। हाँ, वो बताना ब्रो जरा। क्रिसमस में अगर आप काम करते हो ओवर टाइम में, तो आपको मोस्टली 25-26 पाउंड तक, 28 पाउंड तक जा सकता है वो पेमेंट। आपको मिली है एक बार? हाँ जी, मेरे को मिली है। कितनी मिली है? 28 पाउंड पर आवर मिली है आपको? हाँ जी, मुझे मिली है। क्या बात है ब्रो, ये तो मेरी वीडियो की फर्स्ट टाइटल वाली लाइन होगी। 28 सच में मिली है? चलो गाइस देख लो, इनको 28 पाउंड। तो रॉयल मेल जो एथेस्टोन रॉयल मेल जो कोवेंट्री से नानी सिक्योरिटी की बदबू आ रही है इधर आओ। हाँ जी, जो कोवेंट्री से काफी मतलब ननीटन से पास पड़ती है, ननीटन से 4 माइल दूर है, आप वहां करते हो तो आपको आराम से 24-25 इस साल तो और बढ़ जाएगा रॉयल मेल का। हाँ, पार्सल सॉर्टिंग का। अच्छा, अच्छा। और आपको यूजुअली पता है अगर आप एक साल पहले से काम कर रहे हो आपको 16 पाउंड मिलेंगे। तो ब्रो अगर आप एक साल पहले से काम कर रहे हो रॉयल मेल में, तो आपको अभी अभी का पेमेंट आपका मैं बताऊँ 16.5 पाउंड है अभी का नॉर्मल जो फ्रेशर्स नहीं जो पिछले साल से कर रहे हैं। अच्छा, और जो 16.5 पाउंड मिलेंगे और जो अभी आ रहे हैं करने, अभी जो आएंगे वो उनको 12-13 पाउंड मिलेंगे। लेकिन उससे बड़ी, उससे बेस्ट बात पता है क्या है? क्या? आप अमेजोन अप्लाई करो, अमेजोन में आपको 13.5 पाउंड मिलेंगे। मैंने अमेजोन में करे अब यार, उसमें ना थोड़ा मुश्किल काम है। रॉयल मेल में पता क्या कह रहे हैं मेरे को स्टूडेंट्स ना, मेरे फ्रेंड्स करते थे, 3-4 फ्रेंड्स लगातार साथ में जाते थे वो, तो उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं हम फोन पे बात करें, कुछ भी करें, फोन चलाते चलाते कोई कुछ भी नहीं कहता अपने, बस लेटर्स आते हैं उनको सॉर्ट करना होता है, पार्सल सॉर्टिंग वगैरह करनी होती है रॉयल मेल में ना, तो कह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। अमेजोन के अंदर ना यार लगातार चलना पड़ता है पिकिंग वगैरह में, पैकिंग वगैरह में, एक ही जगह पे खड़े होके बार बार मैनेजर आ जाता है छुट्टियों में ना, छुट्टियों में तो मतलब जैसे मान लो, हाँ जैसे हमारी छुट्टियां अप्रैल से पड़ती हैं। नहीं वो नहीं, ऐसे में जैसे 1 महीने का जो गैप पड़ता है ना, जैसे ग्रेजुएशन के लिए आते हैं उनका महीने का गैप पड़ता है एक बार, 1 महीने का, फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है, फिर 1 महीने गैप पड़ता है, फिर 4 महीने छुट्टियां मिलती हैं, समझे? जैसे कि मैंने सितंबर में आया हूँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर में छुट्टियां पड़ेंगी 1 महीने की। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे अपना अप्रैल में भी छुट्टियां पड़ती है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने की छुट्टियां होती है, तो 5 महीनों में आप आराम से पूरी फीस निकल जाएगी आपकी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये भाई ने भी खर्चा कम करना पड़ेगा, फीसें निकल जाती है। अब जैसे ब्रो आप ये इंडिया से ना 8,000 पाउंड फीस भर के आए थे, अभी इन्होंने बताया, बाकी 8,000 इन्होंने खुद भरी फर्स्ट ईयर की। नहीं, 7,200 बची थी मेरी, क्योंकि 15,200 मेरी फीस थी। अच्छा, तो 7,200 मैंने यहाँ के भरा। हाँ, और उसके बाद सेकंड ईयर की भी आपने खुद भरी? सेकंड ईयर की मैंने एडमिशन भी खुद ही कराया। तो अब वो देख लो गाइज कि इन्होंने सब खुद किया, और अगर आपको वो 28 पाउंड घंटे वाला जो भी प्रूफ है ना वो चाहिए, तो मैं आपको इनका ब्लर करके डाल दूंगा, अगर आप सब कमेंट कर दोगे ना 50-100 के आसपास, हाँ कि भाई लोग देख रहे हैं वीडियो और लोग बोलेंगे, है ना भाई?
पे स्लिप का हम ब्लर करके आपका 28 पाउंड घंटे का वो भी हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो। ऐसे भी आप अगर नॉर्मली, क्योंकि अभी तो क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है, तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपको उतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे अगर आप ऐसा जॉब। मैं लिंक दे दूंगा तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो लिंक तभी मिलेगा जब आप कमेंट करके नीचे पूछोगे और इंस्टा पे मैसेज करोगे। ठीक है, तो एक चीज और गाइज मेरे को आपको बतानी है, अब दिसंबर में क्रिसमस वाले जो हैं, मतलब क्रिसमस इवेंट पे ये हमें देते हैं, एक्स्ट्रा पे भी देते हैं और 500-500 पाउंड कोई कोई कंपनी बोनस भी देती है। वो तब देती है जब आप उनके साथ रेगुलर काम कर रहे होते हो, जैसे आपने सितंबर से ज्वाइन कर लिया और आप दिसंबर में रेगुलर हो तो ही देते हैं। ये ऐसे नहीं देते वो कि आपने दिसंबर में ही ज्वाइन कर लिया और आपको शिफ्ट हैंड टू हैंड आपको सारी 28 पाउंड में मिल जाएगी, आपको बोनस मिलेगा, ऐसे नहीं देंगे। मैं वो कह रहा था जैसे 16 पाउंड जैसे मान लीजिए आपकी करंट पे बंदे की, ठीक है, अगर मान लीजिए उस दिन क्या बोलते हैं बैंक हॉलीडे होता है तो डबल पे मिल जाएगी। बैंक हॉलीडे पे डबल पे मिलती है, डबल नहीं 1.5 टाइम्स मिलती है कुछ ना, मतलब 20 के आसपास मिल जाती है पे। तो चलो आगे आ जाओ ब्रो। तो अब गाइज देख लो 10 मिनट अभी भी हो चुके हैं वीडियो के, मेरा एक्चुअली ना हाथ थक गया था तो इसलिए मैं उधर ऐसे करके वीडियो बना रहा था। तो अब गाइज अब आप एक चीज और आपसे पूछ लेते हैं, आपने एकोमोडेशन वगैरह का कैसे सॉर्ट आउट किया और आपकी पढ़ाई वगैरह में कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह आई और आप घर कितना पैसा भेजते हो, ये तीन चीजों के आंसर बता दो। घर यूजुअली देखिए घर तो मैं पैसे भेजता नहीं, मतलब ऐसे 10,000-20,000 तो मैं भेज देता हूँ, 100-200 पाउंड, 100-200 पाउंड 300, क्योंकि उतना बेसिक खर्चा होता है घर का तो उतना भेज सकते हो आप। लेकिन आप ये सोचो कि मैं हर महीना लाख भेज दूँ, उसके मैं फीजी भी निकाल लूँ अपनी भी खुद से कर लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हेल्प आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप अगर आपके ऊपर आप जितना कमाओगे, अगर 30 के 30 दिन कमाओगे तो आप उतना पैसा बनाओगे, और अगर आप करते हो तो फिर बेसिकली आप कुछ पैसे बन जाते हैं। देखिए आप एनआई पे काम करें और तो दूसरी चीज आप क्या बोल रहे थे, एकोमोडेशन वगैरह का सॉर्ट आउट करें। एकोमोडेशन तो फेसबुक मार्केटप्लेस बेस्ट है, ठीक है, फेसबुक पे ना बड़े स्कैम हो रहे हैं आजकल ना। हाँ, लेकिन आप व्यू करो ना, हाँ व्यू करने जाओ, ठीक है, वो बेस्ट है, ठीक है। और तीसरी चीज, एक चीज और गाइस मेरे को आप सबको बतानी है, अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई फीस नहीं निकलती या घर पे पैसा वगैरह नहीं भेज सकते, तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, या तो आप घर पे पैसा भेज सकते हो अपने, या तो आप अपनी फीस निकाल सकते हो। एक चीज आप 100% कर सकते हो अगर आप मेहनत करके काम करो, ठीक है ना गाइस, तो 100% वो हो सकता है, किसी चीज में आपको कोई दिक्कत विक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई आपकी प्रॉपर मैनेज हो जाएगी। बट हाँ, घर पे पैसा नहीं भेज सकते फिर आप, अगर आप अपनी फीस निकालो तो फीस आपकी 100% निकल जाएगी। और बहुत सारे ना मेरे को लोग कमेंट करते हैं कि भाई लड़कियां कैसे करेंगी ये सब चीजें, तो इनसे पूछो भाई, सिक्योरिटी जॉब में भी आती हैं लड़कियां, हर चीज में आती है, बट उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो ज्यादातर ना हार्ड वर्किंग होती नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादातर जिनको देखा है, ठीक है, बहुत से भी होते हैं। डिस्करेज तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं, जब मैं डीएचएल में काम करता था, उन्होंने जब वर्कर्स निकालने स्टार्ट करे थे, पहले गर्ल्स को निकाला था, क्योंकि गर्ल्स होता ना मतलब थोड़ा कम काम करती है। मैं किसी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप काम करते हो उनको दिखता है तो आपको बेसिकली रखेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर कम काम करोगे तो वो तुरंत आपको निकाल देंगे। इसलिए गाइस थोड़ा ना मेक श्योर करो कि आप डीएचएल में काम करें स्टार्टिंग में, लेकिन उसको शिफ्ट करें अमेजोन पे। अमेजोन पे लड़कियों के लिए भी काफी आसान काम है और लड़कों के लिए तो ऑब्वियसली डीएचएल यार मेरे ख्याल से मत करना है यार, डीएचएल नहीं करना, मतलब अमेज़न करना, कर सकते हो डीएचएल भी अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं तो, उसके अंदर आप कर सकते हो, लेकिन उसमें ना बॉक्सेस वगैरह उठवाते हैं बहुत ज्यादा, उसमें हैवी काम, कमर वगैरह दर्द हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा ना 30-30 केजी उठाने के लिए अकेले कहते हैं, जबकि वो अलाउड भी नहीं है। हाँ, दो बंदों की हेल्प के साथ करना चाहिए, बोलते आप अकेले उठाओ, आप लड़के हो, मैन हो, ये वो ऐसे करते हैं वो, बट ऐसे करना नहीं चाहिए। बट हाँ, जिसको भाई पैसा कमाना है वो करते हैं। मेरा दोस्त है यही पास में रहता है, 16 पाउंड घंटा कमाता है वो, और हफ्ते में बस 3 दिन जाता है, कह रहा मेरा आराम से खर्चा पानी सब निकल जाता है, फीस उसकी घर से आ जाती है। हाँ बस, और कह रहा मैं अगर मैं घर पैसा ना भी भेजूं, मैं उतने 3 दिन में ही मैं अपने आराम से फीस वगैरह भी निकाल लूं। तो एनीवेज गाइस बस इतना ही बताना था आज की वीडियो के अंदर, थैंक यू ब्रदर आपसे मिलकर अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच ब्रो। और गाइस किसी भी चीज की हेल्प चाहिए हो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं 100% अपना ट्राई करूंगा। बाकी और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, नहीं तो यूट्यूब पे कमेंट करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।